हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्किन केयर रूटीन। फर्स्टली वी डिस्कस समर स्किन प्रॉब्लम लाइक ऑयलीनेस, ओपन पोर्स, एक्ने एंड डिहाइड्रेशन एंड मच मोर। तो इससे हमें कैसे ट्रीट करना है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट स्टेप इज क्लींजिंग। मैं अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए एक सोप का यूज करती हूँ, सेप्टिसोल। सेप्टिसोल एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल सोप है। समर के टाइम हमारी स्किन ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। ये ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। इसके लेदर से फेस पर 2 मिनट तक मसाज करें, देन फेस को नॉर्मल पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन ऑयल एंड एक्ने फ्री रहेगी। इसके अलावा आप कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज स्क्रबिंग। मैं स्क्रबिंग डेली बेस पे यूज नहीं करती हूँ, वीक में 2 बार ही यूज करती हूँ। समर में डॉक्टर रशेल कॉफी फेस एंड बॉडी जेल स्क्रब का यूज आप अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए कर सकते हैं। फेस के लिए मैं लोटस वाइट ग्लो स्क्रब का यूज़ करती हूँ। आप इसे थोड़ा सा लेकर गीले हल्के हाथों से मसाज करें। चिन एंड नोज़ पर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ सर्कुलर मोशन में मसाज करें। नॉर्मल वाटर से वॉश करें। दिस स्क्रब प्रोवाइड्स यू स्किन ब्राइटर एंड हेल्दियर। थर्ड स्टेप है फेस मास्क। फेस मास्क के लिए आप शीट का यूज कर सकते हो। फेस शीट आती है जो नायका पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं नायका की गो फॉर ग्लो, ये वेडिंग के टाइम पर मैंने यूज की थी। ये काफी अच्छा है, इससे आप इंस्टेंट ग्लो आपको मिलता है, पर डेली बेस पे आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आप रिकमेंड करूंगी कि आप जो मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क है, समर के टाइम पर ये बहुत अच्छा होता है। इससे आपके जो एक्स्ट्रा ऑयल है आप उसको रिमूव कर सकते हो। देन मैं जो यूज करती हूँ वो लिक्वराइज पाउडर है। स्किन से स्पॉट्स, स्कार्स एंड पिगमेंटेशन को कम करता है। फेस मास्क के लिए 1 स्पून लिक्वराइज पाउडर, 1 स्पून वाटर ऐड करें और एक स्मूथ पेस्ट बना ले। इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें। 10 मिनट सूखने के लिए छोड़ दे, देन नॉर्मल वाटर से वॉश करें। ये 100% नेचुरल एंड केमिकल फ्री है। फेस वॉश के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप इसे जरूर ट्राई करें। फोर्थ स्टेप है टोनिंग। टोनिंग के लिए मैं यूज करती हूँ रोज वाटर। रोज वाटर को अपने फेस पर स्प्रे करें, 30-40 सेकेंड के लिए छोड़ दें। ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं एलोवेरा जेल का यूज करती हूँ। समर के टाइम मैं एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सूदिंग रखता है। थोड़ा सा अमाउंट लेकर 5 मिनट तक इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करें। आप इसे एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को सन डैमेज एंड टैनिंग से बचाता है। सिक्स्थ स्टेप है सन प्रोटेक्शन। सन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप इसको कभी भी स्किप ना करें। चाहे आप घर में रहे या चाहे आप बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बाहर जा रहे हैं तभी आप सन स्क्रीन लोशन को लगाते हैं। यूवी जो रेज है आपकी आपकी स्किन को बहुत डैमेज करती है, और समर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो रहता है सन स्क्रीन लोशन ही होता है। इसके बिना आप बाहर ना जाए। मैं VLCC का सनस्क्रीन लोशन यूज करती हूँ। VLCC सनस्क्रीन लोशन आपको हार्मफुल UVA एंड UVB रेस से प्रोटेक्ट करता है एंड टैनिंग से भी बचाता है। बाहर जाने से पहले आप जरूर सनस्क्रीन लोशन को लगाएं। उसके बाद मैं खादी हर्बल फेस क्रीम को डेली यूज़ करती हूँ। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे यूज़ ना करें।
जो भी क्रीम आपकी स्किन को सूट करती है आप वो यूज़ करें। दिस ब्रांड प्रोड्यूस फ्री केमिकल प्रोडक्शन, तो आप बेझिझक इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। गो फॉर इट। लिप के लिए मैं स्टील का लिप केयर यूज़ करती हूँ, ये आपको पिंक पिगमेंटेशन देता है। इसके अलावा आप निविया का लिप केयर भी यूज़ कर सकते हैं। समर में आप इन टिप्स से आपकी स्किन को हेल्दी एंड एक्ने फ्री रख सकते हैं। ज़्यादा पानी पीने से ये आपके अंदर के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके स्किन को हेल्दी रखता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय।